नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 30 मई रात 10 बजे तक मुंबई में 1510 नागरिकों का कोविड 19 टेस्ट आज पॉजिटिव आया है। 54 नागरिकों की आज मृत्यु हुई है। हमारे मुरुंड की बात करें तो पूर्व और पश्चिम मिलाकर के आज 32 नागरिकों का कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुल मिला के आज तक मुरुंड में 727 नागरिकों का कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। लॉकडाउन 4 कल खत्म होने वाला है और 1 जून से क्या होने वाला है इसको लेकर के लोगों में बहुत ही संभ्रम है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि कल या परसों तक केंद्र के जो प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन के प्रोटोकॉल आएंगे और उसके ऊपर मुंबई के लिए हमारे महापालिका आयुक्त के गाइडलाइंस आएगी। जैसे ही वो गाइडलाइंस आएगी आप सभी को पता चल जाएगा। तब तक फॉरवर्ड्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप इस पे ध्यान न दीजिए, अधिकांश वह फेक है। कल रात के जो मेरे वीडियो आएगा उसमें मैं प्रयत्न करूंगा कि लॉकडाउन 4 के बाद के चरण को लेकर के मैं आपको क्लेरिफिकेशन दूं। कल आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझसे सीधा संवाद कर सकते हैं। मेरा कल 5वां फेसबुक लाइव सेशन होगा रविवार 31 मई दोपहर को 12 बजे। मेरा फेसबुक पेज है मिहिर सी कोटेचा। होम्योपैथिक पिल्स का वितरण आज भी हुआ और आज करीब करीब हम 34,000 का आंकड़ा छू चुके हैं और हमारा प्रयत्न रहेगा कि कल के दिन में यानी रविवार को हम 16,000 परिवार को होम्योपैथिक पिल्स पहुंचाए ताकि पहले चरण के 50,000 परिवार तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है वह कल रात तक हम पूरा कर सके। होम्योपैथिक पिल्स की डिमांड बहुत आ रही है और इसलिए हमारे चंद्रकांत कोटेचा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दूसरे चरण में हम और 50,000 परिवारों के लिए एक हफ्ते में यह होम्योपैथिक पिल्स का वितरण करने वाले हैं। टोटल 1,00,000 परिवारों तक अब हम होम्योपैथिक पिल्स लेकर जाएंगे और इसका वितरण पूर्णतः मुफ्त है। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।